ये उसकी तैयारियां और प्रशासनक की उत्कृष्टता, उन कार्मिकों की उत्कृष्टता जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये ईमानदारी को दर्शाता है या भ्रष्टाचार को दर्शाता है? आज दोस्तों अगर आपके घर के बाहर आप ऐसा काम करते हो और अगर ऐसा सीन होता है, दोस्तों ये पैसा पब्लिक का है, अब किस तरीके से इस पब्लिक के पैसे को ये देख लो व्यर्थ किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है, लेकिन दरगाह के बिल्कुल पास सड़क खुदी हुई पड़ी है। इसके साथ ही 3 से 4 इंच तक के पाइप भी बाहर निकले हुए हैं। रोड पर गंदगी का आलम है, लेकिन अभी तक इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जायरीनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। उपस्थित क्षेत्रवासियों ने कहा कि सड़क को जल्द से जल्द सही कराया जाए, जिससे आने वाले जायरीन को परेशानी नहीं उठानी पड़े। अजमेर में 811वें उर्स की तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसको मैं इस समाचार के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में व्यवस्थाएं कैसी है। दोस्तों, शासन प्रशासन इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मगर व्यवस्था ऐसी है कि सुविधा नहीं, दुविधा। आज आप देख रहे हैं कि अजमेर पर्यटक की दृष्टि से सबसे पहला शहर है राजस्थान का, और इसमें व्यवस्थाएं आप देखें, वीडियो में देखा है कि अजमेर में जो विश्व से आने वाला मेहमान है उसके लिए कैसी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है और कैसा काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार या लापरवाही क्या है, मगर दोस्तों ये सब एक दूसरे पर भारी पड़ती है। वास्तव में जिस तरीके से अभी रोड के हालात है, ये जो रोड का जायज़ा अभी मीडियाकर्मी ने लिया है, उस जायजे को आप देखेंगे तो देखेंगे कि कई खतरे को पैदा करता है कि जायरीन आते हैं और जिस तरीके से रोड टूटा हुआ है, सीवरेज के ढक्कन लगभग रोड से भी 4-8 इंच ऊँचे हैं, प्लस रोड के ऊपर जो पानी का खोलने वाला वाल होता है वो कम से कम 8 इंच निकला हुआ है, जिससे कई जो जायरीन आते हैं उन चोटिल होते हैं। और अभी नए साल के दौर पर इतनी तगड़ी भीड़ चली, जिसमें आलम ये रहा, दोस्तों अब ये सोचो कि यहाँ कौन गलत है। और मैं निवेदन करूँगा उन नुमाइंदों से, उन कार्मिकों से जिनके जिम्मे ये काम दिया गया है, जिस काम को के वो वास्तव में ईमानदारी और लगन से करें। दोस्तों, आस्था के सैलाब के नाम पर ही अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा काम चलेगा, हम कैसे सुविधा देंगे? प्रशासन अगर इतनी प्यारी व्यवस्थाएं दे रहा है तो क्यों कार्मिक, क्यों ठेकेदार इन सब चीज़ों के पीछे ये लापरवाही कर रहा है? और इसके पीछे मैं DM साहब से निवेदन करूँगा कि इसके पीछे विधि कार्रवाई करें, जो इसके पीछे लापरवाह है, चाहे ठेकेदार है चाहे कार्मिक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, अनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। अमित कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे, विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा अपना विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है संबंध, बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता अमित के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर। कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार, उसकी पार्टी का नाम अवश्य लिखें, दर्शन साझा करें, जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा, 3 बजे वे 5 बजे, ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं 9890-10448। अजमेर, जयपुर, संभाग।